हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा 20 टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोग इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है हमारी 9th क्लास के अंदर, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस या हम बात करें इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो पहली जो हमारी क्लास थी इंट्रोडक्टरी पार्ट, हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ देखा है, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी जिनके बारे में हमें आज समझना है और उसको हम थोड़ा सा आगे एलेबरेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉप प्रोडक्शन के पीछे या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के पीछे जो हायर क्वालिटी की अगर अपन बात करें तो उसके पीछे क्या रीज़न रहे होंगे, क्योंकि पहले के टाइम पे जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले के टाइम की अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन को लेकर के अगर अपन बात कहें या आधुनिकता को लेकर के बात कहें तो इतना ज़्यादा एलेबरेशन नहीं था या इतना ज़्यादा जो है इवोल्यूशन नहीं हुआ था। लेकिन आज के टाइम की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा बहुत ज़्यादा मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही है, और मशीनरी जब यूज़ हो रही है तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो आज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमें फूड मिल रहा है प्लांट्स, वो किस किस फॉर्म में मिल रहा है उनके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई भी बात है, किसी तरह का कोई कमेंट है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे यहाँ पे जरूर 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 भेजिए ताकि अपन उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर या हमारी जो रनिंग क्लास है उसके अंदर जरूर 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 से जरूर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, करिए फटाफट से स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पे से जाकर के। अब गूगल प्ले स्टोर पे आप चल जाओगे, ठीक है, आपने टेलीग्राम को भी डाउनलोड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा क्या, आप लोगों को फायदा ये होगा कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटीरियल है, सैंपल पेपर हैं, नोट्स हैं और हम बात करें डीपीपीस के बारे में, तो आप इजीली यहां से एक्सेस कर सकते हो और शानदार प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे खास बात बिल्कुल फ्री, यू कैन एक्सेस विदाउट एनी चार्ज, आप बिल्कुल फ्रीली यहां से एक्सेस कर सकते हो, फ्रीली एक्सेस कर जाओगे आप। यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के लिए क्या बने हुए हैं, पाथ बने हुए हैं और उन पाथ को आपको फॉलो करना होगा। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये 6th क्लास के लिए अलग है, 7th क्लास के लिए अलग है, 7th के बाद में मैं 8th क्लास की बात करूँ उसके लिए अलग है, 9th की हम बात करें, जो सबसे अच्छा और मेरे को सबसे यूनिक कोड लगता है जो कि है t.me/ttb009। आपको इस पाथ को फॉलो करना है जिससे होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को शानदार और जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। क्लियर है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि और भी शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बरखुरदार, तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा जो कि है 9th। सिंपल सी बात है, 9th की अगर अपन बात करें तो जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें होमवर्क वगैरह आप लोगों को मिल रहा है, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूँ, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को मिल रहा है। साथ के साथ आप लोगों को जो चीज मिल रही है, वो है
आपको ओलंपियाड्स लेवल की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सेशंस भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। स्टूडेंट जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम सुनते ही हमारे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि डिस्काउंट मिलना चाहिए जो हमें प्राइस नजर आ रही है, ठीक है। तो वही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है स्टूडेंट्स, लेकिन कैसे उसके लिए बच्चों आप लोगों को करना क्या होगा, मेरा कोड अप्लाई कर देना होगा VR Live, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो होगा क्या, आप डायरेक्टली 30% डिस्काउंट प्राप्त कर जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जैसे ही VR Live अप्लाई कर दिया तो आपको 30%। अब यहाँ पे जो अमाउंट नजर आ रहा है ना, इस अमाउंट पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब 3,000 रुपये का आपको डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। ओहो, जो पेबल अमाउंट रहेगा मात्र और मात्र 7,000 के अंदर आप लोगों को ये सब मिल रहा है। 7,000 मात्र में आपको लोगों को ये मिल रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि यहाँ से उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो डिस्पैच किया जाता है। तो आप इजीली एक्सेस कर जाओगे। बस आप लोगों को करना क्या है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना होगा। बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 7,000 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी ना किसी, कोई ना कोई, किसी भी टाइप की कोई समस्या है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे नंबर नजर आ रहे होंगे जो है 9549041111। यहाँ पे कॉल कर देना है और आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शंका है, जो भी चीज पूछनी है, जो भी क्वेरी आपको करनी है, आप यहाँ पे आकर के कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने हमारे 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो हमारा चल रहा है वो है 4th नंबर का चैप्टर, इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। देखिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे मात्र 2 चैप्टर बचेंगे, डाइवर्सिटी और रहेगा एक हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, जिसके अंदर हम डिजीज वगैरह के बारे में बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कैसे बनाओगे, तो उस प्रैक्टिस को करने के लिए, उस प्रैक्टिस से बने रहने के लिए, रिविजन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना होगा। और टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं और भी ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट और न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पाथ बताया है, एज इट इज़ आप लोगों को पाथ फॉलो करना है। आई होप आप लोगों को बहुत ही ईजिली क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो है हम बायोलॉजी के अंदर हमारा 3rd के बाद में 4th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और आज उसकी हम 2nd क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मैक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मैक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया,
चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो आज देखने वाले हैं हमारी लेक्चर नंबर 2, इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने जो आज की क्लास ली है, इस क्लास के पीछे जो आप लोगों को मकसद है, सोर्स ऑफ फूड, कहने का मतलब हमें फूड से किस किस हमें जो प्लांट्स हैं, प्लांट से किस किस फॉर्म में फूड प्रोवाइड हो रहा है उनके बारे में हम देखेंगे, उनके एक एक एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जो है क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जिस तरीके से कुछ प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, तब जाकर के हमें एक ओरिएंटेड रिजल्ट जो है फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो उस चीज़ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। लाइक मैं बात करूँ कि सोइल का प्रिपरेशन किया जा रहा था, फिर उसके बाद में हमें अच्छी क्वालिटी का सीड जो है उसको सिलेक्ट करके उसको हमें ज़मीन के अंदर डालना करना था, फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए वो किसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर वगैरह हमें यूज़ करना था, और इरिगेशन की अपन बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद में जब हमारी फसल अच्छी खासी हो जाएगी तो उसको काटना भी है और स्टोर भी करना होता था। ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देख लिए थे। तो फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो बात करें हम इसके अलावा सोर्स ऑफ फूड के बारे में। तो एक बार बताओ, फूड हमें किन किन से मिल रहा है? क्या हमें प्लांट से ही फूड मिलता है क्या? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं, हमें प्लांट्स के अलावा एनिमल्स से भी फूड मिल रहा। बात को समझना, प्लांट्स तो हमें, चाहे फ्रूट्स की हम बात करें, चाहे लीफ की हम बात करें, चाहे रूट्स की हम बात करें, चाहे स्टेम की हम बात करें, प्लांट के हर पार्ट से हमें फूड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें मिल्क के बारे में, एग के बारे में, हनी के बारे में, और या हम बात करें बटर के बारे में, तो ये सब चीजें मिल्क से रही है, हमें एनिमल से मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इनग्रीडियंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, या हम बात करें काउ है, गोट्स वगैरह है, बफेलोज हैं, आर द सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो भी हमें इजीली मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है, इस फूड से जो हमें एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी हमारे कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, कहने का मतलब हमारी बॉडी का जो वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करें फूड के अंदर की बात, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो दो फॉर्म में है, एक है हमारे पास में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे हैं हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में, तो ये किसके अंदर काउंट किया जाएगा? इनको काउंट किया जाएगा मैक्रो के अंदर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अगर हम बात करें मिनरल्स वगैरह के बारे में या विटामिंस वगैरह के बारे में, तो इन्हें काउंट किया जाएगा किसके अंदर? इनको काउंट किया जाएगा माइक्रो के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। और अगर हम बात करें मैक्रो के बारे में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में है। बात समझ में आ गई ना? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, वो किस अमाउंट में होती है? ज्यादा अमाउंट में होती है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, फैट ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जरूरत तो होती है लेकिन कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लेंगे तो चक्कर पड़ जाएगा क्या? अरे लेना तो पड़ेगा, एसेंशियल है, अदरवाइज क्या होगा? डॉक्टर वगैरह लिख देगा, फिर आपको बाहर मार्केट से क्या करना पड़ेगा? कैप्सूल्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, मेडिसिन वगैरह यूज करनी पड़ेगी, इसलिए उसको खाने के साथ में लेना एसेंशियल है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब यह है कि सेम स्पीसीज को या सेम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उसको एक वाइड या बहुत बड़ी मात्रा में हमें उसको उगाना होता है। देखिए हम हमारे घरों में भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन क्या उसको एग्रीकल्चर के अंदर काउंट किया जाता है क्या? नहीं किया जाता उसको एग्रीकल्चर के अंदर, काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर में, तो वहां पे प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स बहुत बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो वही चीज है स्टूडेंट्स, इट इज द अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द
प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग द एनिमल यूजफुल टू मेन इन्वॉल्विंग सोइल कल्टिवेशन ब्रीडिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक. नेक्स्ट हम बात करें हॉर्टिकल्चर के बारे में. हॉर्टिकल्चर का जो रिलेशन होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड द साइंस ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स. यहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो होती हैं, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनका उत्पादन किया जाएगा, उनको उनका प्रोडक्शन किया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करें सिल्वीकल्चर के बारे में. जो सिल्वीकल्चर होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे फॉरेस्ट के साथ. कहने का मतलब फॉरेस्ट के अंदर भी तो क्या है, प्लांट्स वगैरह ही तो हैं, ठीक है. तो सिल्वीकल्चर के अंदर जिसकी स्टडी की जाएगी वो होते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है. कल्टीवेशन ऑफ वुड एंड ट्री, लाइक हम बात करें पाइन हो गया, टी वुड हो गया, सीसम वगैरह हो गए, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे सिल्वीकल्चर के अंदर. एज इट इज एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा. एक बार आप लिख लीजिए. चले आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 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 एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना. और भी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. जैसा कि मैं बात बताऊं आपको ऑलरी कल्चर के बारे में. देखो ऑलरी कल्चर की अगर अपन बात करें तो एक छोटी जगह पे, ठीक है, अगर एक अच्छा खासा अगर हमारे पास में लैंड है और अगर हमें अच्छी खासी एग्रीकल्चर की नॉलेज है तो हम एक छोटी सी जगह पे बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं. ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना तो भाई अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हर किसी के पास में थोड़ी ना है. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अगर अपन बात बाहर की बातें करें तो आउट ऑफ इंडिया में जो है ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, ठीक है ना, जो एजुकेटेड पर्सन हैं, हम तो हमारे दिमाग में क्या है यार फार्मर मतलब हाँ कर रहा है. लेकिन अगर एक एजुकेटेड आदमी इसको कर रहा है तो वो पूरा का पूरा छानबीन काम करके ही करेगा, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जबरदस्त होगी, ठीक है. ऑलरेडी कल्चर की अगर अपन बात करें रेफर्स टू ग्रोविंग एंड मैनेजिंग ऑफ द वेजिटेबल्स. जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर वेजिटेबल्स को ही लगाया जाएगा और उनकी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर पर ध्यान दिया जाएगा. किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाएगा. इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई डिजीज हो जाए तो उस डिजीज के लिए भी क्या है, डॉक्टर से ही कंसल्ट किया जाएगा. इसके अलावा हम बात करें कोई मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स है, या क्योंकि इन जब एजुकेटेड पर्सन इसको करेगा ना तो सिंपली वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कहीं ना कहीं नेचर डैमेज हो रही है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है नेचर को
कर रहा है या नेचर जो है इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो आप देखिएगा आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो इन चीजों पे थोड़ा सा हम जो है रोक लगा सकते हैं और इको फ्रेंडली तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओलेरिकल्चर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्वा कल्चर के बारे में बात करते हैं। एक्वा कल्चर सिंपल सी बात है, एक्वा एक्वा का मतलब हो गया पानी से रिलेटेड। अब पानी से रिलेटेड अगर बात हो रही तो सिंपली बात हम एक बात कहें, जो फिशेस वगैरह जो होती हैं इनका प्रोडक्शन किया जाएगा, इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियली इनका यूज किया जाएगा और इनको मार्केट के अंदर बेच दिया जाएगा। एक्वा कल्चर की अगर अपन बात करें द फार्मिंग ऑफ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वॉटर बॉडीज फॉर द इकोनॉमिकल पर्पज, वही कॉमर्शियली पर्पज या इकोनॉमिकल पर्पज एक ही बात है, एज इट इज एक बार देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है। और पता है ये जो होता है ना, ये मतलब आपको एक बार बताऊं मैं कि इनको कई बार पैक्ड एरिया में भी किया जाता है ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, उस रिवर के अंदर ही इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो जो दायरा होता है, वो जो जगह होती है, वो जो प्लेस होता है, वो पैक्ड हो जाता है ठीक है। उसकी वजह से क्या है, उनको एक नेचुरल एनवायरमेंट भी मिल रहा है, और इसके अलावा खाने पीने की अगर अपन बात करें तो उनको पाला जा रहा है ना यार ठीक है, तो पाला जाएगा तो सिंपल सी बात है उनके लिए दाना वाना भी रखा जाएगा ठीक है। देखिए हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की अगर अपन बात करें, प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे जो हमें फूड मिल रहा है प्लांट्स से वो किस किस फॉर्म में मिल रहा है। तो हम बात करें प्लांट्स प्रोवाइड अस लाइक सीरियल्स पल्सेस की अगर अपन बात करें, ऑयल सीड की अपन बात करें जिनसे हम ऑयल वगैरह, देखा होगा आप लोगों ने जिसमें हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं या जो ऑयल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से क्या है, प्लांट्स से ही तो मिल रहा है ठीक है। फ्रूट्स वगैरह की अपन बात करें, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह आप लोगों को जो इजीली अवेलेबल है, तो वो कहां से, वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से ही। नेक्स्ट हम बात करें वेजिटेबल्स के बारे में, आप लोगों को पता होगा कई बार हम लोग बोलते हैं यार सर्दियों के दिन आने वाले हैं, सर्दियों के दिनों में क्या होता है वेजिटेबल्स जो होती है थोड़ी सी सस्ती हो जाती है और हरी हरी सब्जियां ज्यादा आती है, आयरन वगैरह ज्यादा होता है, और हम बात करें मिनरल्स वगैरह तो ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो फटाफट एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। और प्लांट्स के जो जितने भी पार्ट हैं वो क्या होते हैं, एडेबल होते हैं। रूट्स की हम बात करें, स्टेम्स की हम बात करें, लीफ की हम बात करें, फ्लावर तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ही सही ठीक है ना, फ्रूट्स तो आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पता होगा, और सीड्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो जितनी दालें वगैरह हैं ठीक है वो ही थी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग इनके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। Plants provide us food like cereals, pulses, oil seeds, fruits and vegetables. Next हम बात करें इसके बाद, देखिए for their existence of all living organism essentially they require food. अगर मान लो जितने भी living organisms हैं, जितने भी living organisms हैं, इनकी survival के लिए, इनकी आराम से जीने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा तो ही नहीं कि हर आदमी जो है फ्लैशी फूड के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, भाई ऐसा तो नहीं हर आदमी जो है ना है नॉनवेज खा रहा है, ऐसा नहीं होता ठीक है। कुछ जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, सिंपल सी बात है, हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, ऐसा हो रहा है कि बचपन में हम इतने टिंगे से थे और आज भी हम इतने से ही हैं ठीक है, लेकिन आज जो है हमारी साइज इंक्रीज हुई है, हमारी हाइट बढ़ी है, हमारा जो मेंटल अगर अपन बात करें डेवलपमेंट की तो वो भी कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो इसके पीछे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल, जो हम फूड खा रहे हैं, हम जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स रफेस ये सब चीजें मिक्स है ठीक है, और ये अपना एक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर। हमें पता नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि हमारे कई बार क्या होता है बचपन में लग जाती है, या चलते चलते कई बार लग जाती है, या हमें मालूम ही नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से डैमेज हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमेशा डैमेज ही रहेगा, नहीं,
एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो अपने आप सुधर जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है, तो अंदर से उसका जो रिपेयरमेंट हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप ही हो रहा होगा। उसके लिए हमने क्या यूज किया, उसके लिए हम लोगों ने फूड लिया। अब वो जो फूड हम ले रहे हैं उससे जो एनर्जी हमें मिल रही है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स हैं, वो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की जो टिश्यूज हैं रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो डिजीज वगैरह है या किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे हमें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फूड। एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं स्टोर होती चली जाएगी, और जब स्टोर हो रही तो वो हमें डिजीज से भी बचाने का काम करी। अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बिल्कुल सही बात है, इसको समझाने वाली बात है नहीं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, सनलाइट के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। एज अ रॉ मटेरियल की अगर अपन बात करें तो CO2 यूज होगा और H2O यूज होगा, और बदले में क्या बनाएंगे, वो C6H12O6 कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और हमारे लिए जो जीवनदायिनी वायु है जिसे ऑक्सीजन कहा जाएगा वो यूज करेंगे। दे मेक देयर ऑन फूड, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, तो मैंने आपको लोगों को बता दिया CO2 कहां से मिलेगा, H2O कहां से मिलेगा, और फूड कैसे बन जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो इन सभी को क्या कहा जाएगा, हिटरोट्रॉप्स। देखिए एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो हम क्या है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। हम हमारा खाना खुद, ऐसा होगा हम धूप में खड़े हो गए और हमारा खाना खुद बनाने लग गए, हम फूड के लिए डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो हमें किसके अंदर काउंट किया जाएगा, हिटरोट्रॉप्स के अंदर। अब हिटरोट्रॉप्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगी, हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया और ओमनीवोर्स हो गया। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओमनीवोर्स की अगर अपन बात करें जो दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज, देखिए जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के सभी कैसे हैं, इडेबल हैं, क्लियर, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से। बहुत ही सिंपल और बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा। चले आगे, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत है बेटा, लिख लिया बेटा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ गए हो सेल वाले चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए फूड सोर्सेज की अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा यहाँ पे फूड कौन कौन से। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें सीड्स के बारे में। देखिए सीड जो है कौन कौन से पार्ट्स की अगर अपन बात करें, लाइक हम बात करें सीरियल्स वगैरह, पल्सेस वगैरह, ऑयल सीड्स वगैरह के बारे में, नट्स वगैरह के बारे में, तो ये सब क्या है, ईडेबल ही तो पार्ट है बेटा। सीरियल्स की अगर अपन बात करें जो हमें क्या दे रहे हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, और ये हमें किन से मिलेंगे, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बारले वगैरह है। इसके अलावा हम बात करें शलगम वगैरह के बारे में तो ये सब किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, ये काउंट किए जाएंगे सीरियल्स के बारे में, सॉरी सीरियल्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। पल्सेस की अपन बात करें, ध्यान से सुनना, पल्सेस की अपन बात करें जो दालें होती है ना, दालें एक तरीके से हम दाल मान सकते हैं, ठीक है, उड़द वगैरह है, मूंग वगैरह है, अरहर की दाल जितनी भी है, इनको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, पल्सेस के अंदर काउंट करेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जो दालें होती हैं हमारी बॉडी के लिए किस न्यूट्रिएंट्स के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं, प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है,
दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज इट इज. कॉपी कर लीजिए, जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पल्सेस क्या होंगे और सीरियल्स क्या होंगे. एज इट इज कॉपी करो फटाफट से, फटाफट से. चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर है. इसके अलावा हम बात करें मसूर वगैरह के बारे में, ये सभी क्या हैं? दालें ही हैं. आप लोगों को पता होगा अगर हम जैसे बात करें राइस वगैरह के बारे में या हम बात करें सोर्गम वगैरह के बारे में, तो इनको खाने के बाद में हमें थोड़ी देर बाद में वापस से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, थोड़ी देर बाद से मतलब ये नहीं कि आधे घंटे बाद ही, हाँ लगभग दो घंटे तीन घंटे के बाद में हमें दोबारा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है. उसका रीजन ये है क्योंकि इनके पास में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं. ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स मतलब फटाफट से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं. लिख लिया, सीड्स में हम लोगों ने सीरियल्स देख लिए हैं एंड पल्सेस देख लिए. नेक्स्ट हम बात करें ऑयल सीड क्रॉप के बारे में. अरे भाई एक बात बताओ, अगर हम बात करें कॉटन सीड के बारे में या हम बात करें रामतिल के बारे में, सनफ्लावर जो आप लोगों को मिल रहा है, सोयाबीन जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, ठीक है वो तो भले ट्रिपल रिफाइंड हो या डबल रिफाइंड हो, लेकिन है तो सोयाबीन ऑयल जिसके अंदर हमारा फूड वगैरह यूज हो रहा है, बन रहा है. इसके अलावा हम बात करें जो फूड हम जो ऑयल हम जो है खाने के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी यूज कर रहे हैं, सिंपली सी बात है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूजेबल है. एज इट इज को कॉपी कर लीजिए. ड्राई फ्रूट्स की अगर अपन बात करें, ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, आलमंड्स वगैरह की अपन बात करें या नट्स वगैरह की अपन बात करें, वॉलनट वगैरह की अपन बात करें, तो ये सभी क्या है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे. और ये भी क्या है, ये भी प्लांट्स प्रोडक्ट है, प्लांट्स की ही एक कैटेगरी है. एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से. और ऑयल से हमें क्या मिलता है, फैट वगैरह मिलता है ना. जितने भी ऑयली फूड वगैरह होंगे आप लोगों को पता होगा, तो ऑयल है तभी तो उसमें क्या है, फैट है, सिंपल सी बात. दे आर सोर्स ऑफ ऑयल, फैट एंड फैटी एसिड्स. चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट्स के बारे में. तो अब आप लोगों को सिंपली सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा कि जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं सभी, हम लोगों ने पल्सेस के बारे में देखा, हम लोगों ने सीरियल्स के बारे में देखा, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स के बारे में देखा, ऑयल सीड्स के बारे में हम लोगों ने देखा. नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में. तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं ये हैं क्या, ये भी तो प्लांट प्रोडक्ट ही है, सिंपल सी बात है. एज इट इज इसको भी कॉपी कर लीजिए आप लोग. A good source of vitamin and minerals and refills. They include apple, orange, mango, banana, pineapple, pomegranate, pear. इसके अलावा हम बात करें grapes वगैरह हैं और कस्टर्ड एप्पल्स की अगर अपन बात करें. और ये सोर्स है किसके, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. सब ही न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, हमें किनसे मिलेगा, हमें हमारे फ्रूट से मिलेगा. ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात, जो हम देख रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट ही है, प्लांट से ही हमें क्या मिल रहा है, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं. ठीक है,
चले आगे। नेक्स्ट वेजिटेबल्स की अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए वेजिटेबल में अगर अपन बात करें, दे आर एडिबल पार्ट्स ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स। जो हर्बिशियस प्लांट्स है, हर्बिशियस प्लांट्स का मतलब सिंपल सी बात है जो सीजनेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एक लिमिट में, जो वो एक सीजन में ही हमें दिखाई देंगे, ठीक है। हर्बिशियस का सिंपल सा मतलब ये हो गया वो जल्दी से सूख जाएंगे, ठीक है, अगर उनको सही समय पे यूज नहीं किया गया तो वो वापस से सूख जाएंगे। सीजनेबल प्लांट्स होते हैं जिन्हें कहा जाएगा हर्बिशियस प्लांट्स। दे आर ईटन रो और कुक्ड, मतलब उन्हें हम या तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या हम उन्हें कुकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे रूट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, अभी सर्दियां आने वाली, कैरेट वगैरह है। रेडिश की अगर अपन बात करें, टर्निप की हम बात करें, स्वीट पोटेटो है, और हम बात करें बीटरूट वगैरह, ये सभी क्या है, ये रूट पार्ट है किसके, प्लांट्स के, जो क्या है, एडिबल है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेम्स के बारे में, स्वेलिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू। और स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच इज मस्टर्ड, बेम्बो, बनाना, एस्पारेगस। नेक्स्ट हम बात करें ये सभी क्या है, एज ए वेजिटेबल की फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। पोटेटो हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर है, ये सब क्या है, स्टेम ही तो है। और स्टेम है तो किसके पार्ट हो जाएंगे, ये भी प्लांट के ही पार्ट है, एज इट इज। बेटा कॉपी कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग प्लांट्स प्रोडक्ट्स या प्लांट्स पार्ट्स को ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट्स जो हमें फूड मिल रहा है, किस किस फॉर्म में मिल रहा है और किस किस पार्ट्स से मिल रहा है, ये भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल्स की अगर अपन बात करें या इन्फ्लुएंस की अपन बात करें, जो वेजिटेबल्स हैं हमारे पास में, लीफी वेजिटेबल्स सिंपल सी बात है जिनमें लीफ है, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ये क्या है, पूरा का पूरा पार्ट जो है लीफी है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पिनेच वगैरह के बारे में, लेट्यूस वगैरह के बारे में, कैबेज वगैरह के बारे में, तो ये है क्या, ये सभी के सभी लीफी तो पार्ट है, ठीक है, और प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, लीफ वाला पार्ट। नेक्स्ट हम बात करें, दे इंक्लूड ब्रोकली, ध्यान रखना ब्रोकली की अगर अपन बात करें, कॉलीफ्लावर की अगर अपन बात करें, ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है ना, दिस इज नोन एज ब्रोकली, और जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रही है ये है कॉलीफ्लावर। अब एक बार बताओ ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का, या सॉरी प्लांट का, फ्लावर वाला है, क्या हम इसको एज ए वेजिटेबल में यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वेजिटेबल ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और वेजिटेबल में हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्लावर वाला पार्ट। लीफ वाला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। स्टेम में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, गार्लिक वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, स्टेम वगैरह सॉरी जो है हमारे पास में जिंजर वगैरह है, पोटेटो वगैरह की अपन बात कर सकते हैं स्टेम में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को और क्या बताया हुआ है, जस्ट हम लोगों ने रूट्स पार्ट्स के बारे में भी देखा हुआ है, टर्निप वगैरह है, स्वीट पोटेटो है, सभी के सभी क्या है, प्लांट का हर पार्ट एडेबल है एज अ वेजिटेबल। वेजिटेबल में हम लोग ये देख रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में, किसी भी तरीके से प्लांट का हर पार्ट एडेबल है, ठीक है। सीड्स में हम लोगों ने पल्सेस देखे, सीरियल्स वगैरह देखे, चलें आगे। नेक्स्ट
इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो क्यों जरूरी है? देखो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की सबसे पहली बात तो ये है कि देखो जिस तरीके से, एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, देखिए आज के टाइम पे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अननेसेसरी या एक तरीके से कहें तो कोई इसका मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, हम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं बस और बस इस वजह से कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हो सके, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारी जमीन को ही हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर लैंड को ही हो रहा है। एक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा अगर अपन बार 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 यूज करते जाएंगे तो खुद से कुछ उगाएगी नहीं, ठीक है, उसको आपको फर्टिलाइजर यूज देना ही पड़ेगा तब जाकर के, तो इस वजह से भी इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, जो ट्रेडिशनल रवैया आया है उसको थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा और उसके बारे में स्टडी करके कि हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है हम उस पर किस तरीके से खेती बाड़ी करें और इको फ्रेंडली जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है हम किस तरीके से कर सकते हैं। रेवेन्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, अगर सही तरीके से सही मैनेजमेंट से अगर वहां पे खेती बाड़ी की जा रही है तो एक सही प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग। देखिए जिनके पास में ऑलरेडी जमीन वगैरह है, जिनके पास में एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह है, तो वो क्या हो रहा है अगर मान लीजिए स्टडी करके अगर जाते हैं तो क्या होगा, एक अच्छा और ऑप्टिमम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अगर अपन बात करें कि जैसे मौसम की जो बीमारियां हैं या मौसम से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, अदरवाइज अगर किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के अंदर काउंट किया जाएगा। एज इट इज एक बार इसको आप लोग देख लीजिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है, आते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास में, व्हाट फूड आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्लांट्स से जो है फूड कौन कौन से हैं, चाहे हम फ्लावर की बात करें, चाहे हम स्टेम की बात करें, चाहे हम रूट्स की बात करें, सभी के सभी जो हैं प्लांट से मिलकर के बने हुए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हमारे पास में How do people get food from plants? देखो plants जो होते हैं ना वो food को synthesize करते हैं, लेकिन वो अपना food किस तरीके से बना रहे हैं, बाय photosynthesis process, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर उसके बाद में आपको मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है। As a raw material जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है एज अ गैसियस फॉर्म में, और वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर प्रेजेंट है अंडरग्राउंड, जो वाटर है वो एज इट इज यूज हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, आर टी बैग्स आर गुड फॉर प्लांट्स, बताइए फटाफट से, देखिए एक बार आप लोगों के लिए आंसर बना हुआ है। देखिए अगर अपन बात करें टी बैग्स के बारे में, कंपोजिटिंग टी बैग्स इज ग्रीन मेथड ऑफ डिस्पोजल टेरिफिक फॉर हेल्थ ऑफ आर प्लांट्स प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू इंक्रीज ड्रेनेज व्हाइल द मेंटेनिंग मॉइस्चर प्रमोटिंग द अर्थ वॉर्म्स ताकि सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे और इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल एंड मेंटेन द सोइल स्ट्रक्चर मोर ब्यूटिफुल गार्डन एज इट इज, कॉपी कर लीजिए। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में यहां पे व्हाट लिक्विड इज बेस्ट फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में डू प्लांट्स ईट द सन, क्या सन को खा रहे हैं क्या, या सन से जो एनर्जी सोलर एनर्जी जो आ रही है उसको यूज कर रहे हैं।
वॉट आर द थ्री थिंग्स ऑफ द प्लांट्स नीड टू ग्रो, इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने आज पढ़ा है, कहने का मतलब हम लोगों ने आज ये देखा है कि प्लांट्स से हमें कौन कौन से पार्ट्स से फूड मिल रहा है, किस किस फॉर्म में मिल रहा है, इन सबको आज हम लोगों ने देखा है। कुछ क्वेश्चन है जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पक्का पक्का डिस्कस करेंगे। तो पक्का आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।